गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 3 सब्जेक्ट इंग्लिश, चैप्टर 11 लिटिल रेड राइडिंग हुड। तो ये स्टोरी हमने पहले भी थोड़ा सा स्टडी किया हुआ है और आगे स्टडी करेंगे। तो पहले हमने इस स्टोरी में जो है स्टडी किया है कि एक लड़की जो है, जो छोटी लड़की, देसी लड़की जो है, वो एक गांव में रहती है। वो जीवों से बहुत प्यार करती है और उसकी मम्मी जो है उससे बहुत प्यार करती है। उनकी दादी जो है या नानी जो है वो भी उससे बहुत प्यार करती हैं। तो उसकी मम्मी उसके लिए एक लाल चुड़ी बनाती है जिसे वो ओढ़ती है, तो वो बहुत ही प्यारी लगती है और इसी वजह से उसका नाम, वो हमेशा ओढ़े रहती है, इस वजह से उसका नाम लिटिल रेड राइडिंग हुड पड़ जाता है। तो एक दिन क्या होता है कि उसकी मम्मी उससे कहती हैं कि तुम्हारी नानी माँ बीमार हैं, दूसरे गाँव में जो रहती हैं, तो उनके लिए तुम केक और ये लिटिल पॉट ऑफ बटर लेके जाओ। जब वो जाती है तो रास्ते में उसको जंगल से कुछ होते हुए तो एक वो भेड़िया उसको मिल जाता है और भेड़िया जो है उसे खाने के, बच्ची को जो है, उस छोटी सी लड़की को खाने के लिए सोचता है और उसको क्या करता है, उसको रास्ता भटका देता है। और उसकी नानी के, जब उसको पता चलता है कि उसकी नानी बीमार है और घर में अकेली है, तो वो सोचता है कि पहले उसकी नानी को ही खा जाता हूँ तब इसको खाऊँगा। तो वो उसको दूसरा रास्ता लंबा रास्ता बता देता है और खुद छोटे रास्ते से उसके नानी के घर पहुंच जाता है। तो उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे कि जैसे पहुंचता है तो क्या होता है। जब वो दरवाजे पर पहुंचता है और नॉक करता है तो हु इज़ देयर, योर ग्रैंड चाइल्ड लिटिल रेड राइडिंग हुड, रिप्लाइड द वुल्फ काउंटरफिटिंग हर वॉइस। Who has brought you a cake and a little pot of butter sent to you by my mother? जब अंदर से आवाज़ आती है कि कौन है, तो वो जो उल्फ है, जो वेरिया है, वो अपना आवाज़ बदल के जालसाजी करते हुए बोलता है कि मैं आपकी ग्रैंड चाइल्ड लिटिल रेड राइडिंग हुड हूँ, मैं आपके लिए केक और बटर लाई हूँ जो मेरी मम्मी ने आपके लिए दिया है। द गुड ग्रैंड मदर हु वॉज इन बेड बिकॉज सी वॉज somewhat ill cried out, pull the bobbin and the latch will go up। जो अच्छी नानी माँ होती हैं तो वो क्या करती हैं, वो बीमार रहती हैं जिस वजह से वो बेड पे, बिछावन पे रहती हैं, वो उठ नहीं पाती हैं और वो बोल आवाज़ लगाती हैं कि बॉबिन को अपनी तरफ खींचो तो सिटकिनी जो है वो खुल जाएगी, लगा हुआ है वो खुल जाएगी। द उल्फ पुल्ड द बॉबिन एंड द डोर ओपेंड एंड देन ही इमिडिएटली फेल अपॉन द गुड वूमेन एंड एट हर अप इन ए मोमेंट फॉर इट बीन मोर देन 3 days सिंस ही हैड ईटन समथिंग। जो उल्फ भेड़िया था वो बॉबिन खींच के अंदर चला आता है, खिड़की को दरवाज़ा खुल जाता है, वो जब तुरंत अंदर आ जाता है तो वो तुरंत क्या करता है, तुरंत ही उसकी नानी को खा जाता है क्योंकि वो 3 दिनों से भूखा होता है, उसने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया होता है। ही देन शट द डोर एंड गॉट इन टू द ग्रैंड मदर्स बेड एक्सपेक्टिंग लिटिल रेड राइडिंग हुड हु केम समटाइम्स आफ्टर वॉश एंड नॉक्स एट द डोर टैप टैप। उसके बाद क्या करता है, वो नानी को खा, उसकी नानी को लिटिल रेड राइडिंग हुड की नानी को खा जाने के बाद क्या करता है, उनकी जगह पर बिछावन पर लेट जाता है और जब लिटिल रेड राइडिंग हुड आती है और आवाज़ दरवाज़ा खटखटाती है तो वो उसी आवाज़, नानी की आवाज़ में पूछता है, हुज देयर, कौन है। लिटिल रेड राइडिंग हुड हियरिंग द बिग वॉइस ऑफ द वुल्फ वॉज एट फर्स्ट अफ्रेड बट बिलीविंग हर ग्रैंड मदर हैड ए कोल्ड एंड वॉज होश आंसर्ड, इट इज़ योर ग्रैंड चाइल्ड लिटिल रेड राइडिंग हुड हु हैज़ ब्रॉट यू ए केक एंड ए लिटिल पॉट ऑफ बटर सेंट बाई माई मदर। तो लिटिल रेड राइडिंग हुड जो है वो भारी आवाज़ सुन के क्या होती है, डर जाती है पहले तो, लेकिन उसे ये लगता है कि नानी माँ तो बीमार है, सर्दी है, इसलिए उनका आवाज़ जो है वो इस तरह से आ रहा है, वो इस तरह से हम मुझे आंसर कर रही हैं, जवाब दे रही हैं। लिटिल राइडिंग हुड जो अपनी नानी माँ से कहती है कि मैं हूँ आपकी ग्रैंड चाइल्ड, आपके लिए केक और बटर लाई हूँ जो मम्मी ने दिया है आपके लिए। द उल्फ क्राइड आउट टू हर सॉफ्टनिंग हिज वॉइस एज मच एज ही कुड पुल द बॉबिन एंड लैच विल गो अप। उल्फ जो भेड़िया जो है वो आवाज़ बदल के मीठे आवाज़ में, कोमल आवाज़ में बोलता है कि बॉबिन को अपनी तरफ, यानी फिरकी को अपनी तरफ खींचो तो सिटकिनी जो है वो खुल जाएगा।
लिटिल रेड राइडिंग हुड पुल द बॉबिन एंड द डोर ओपन. लिटिल राइडिंग हुड जो है वो फिरकी को खींचती है तो दरवाज़ा खुल जाता है. द वुल्फ सीइंग हर कमिंग सेड टू हर हाइडिंग हिमसेल्फ अंडर द बेड क्लॉथ्स पुट द केक एंड द लिटिल पॉट ऑफ बटर ऑफ स्टूल एंड कम गेट इन टू द बेड विथ मी. जो भेड़िया जो है वो देखता है जब वो अंदर आती है लिटिल रेन तो उसको उसके हाथ वो क्या करता है अपने आप को बेड क्लॉथ चादर में अपने आप को पूरी तरह से ढक लेता है और उसको बोलता है कि केक और बटर को स्टूल पे रख दो और मेरे पास आकर बैठो. लिटिल रेड राइडिंग हुड गॉट इन टू बेड. She was greatly amazed to see how her grandmother looked in her night clothes and said to her grandmother, "What big arms you have!" Little Red Riding Hood जो है वो बेड के पास जाती है और बैठ जाती है और वो आश्चर्यचकित होकर देखती है क्योंकि नानी माँ की नाइट क्लॉथ्स में किस तरह से दिख रही हैं उनके हाथ. वो अपनी नानी माँ से पूछती है कि आपके हाथ इतने लंबे क्यों हैं. तो ऑल द बेटर टू हग यू विथ माई डियर. वो नोल्फ जो है वो जालसाजी करते हुए बोलता है है कि ये इतने मेरे हाथ इतने लंबे इसलिए हैं ताकि मैं तुम्हें गले लगा सकूं. ग्रैंड मदर वॉट बिग लेग्स यू हैव. लिटिल रेड राइडिंग हुड जो है वो फिर से क्वेश्चन पूछती है प्रश्न पूछती है अपनी नानी से कि आपके पैर इतने लंबे क्यों हैं. तो ऑल द बेटर टू रन विथ यू माई चाइल्ड. यानी ये सभी इसलिए बड़े लंबे हैं ताकि मैं तुम्हारे साथ दौड़ सकूँ. दिस आंसर डिड नॉट सेटिस्फाई रेड राइडिंग हुड. वाई डिड ओल्ड ग्रैंड मदर नीड टू रन बेटर. देन सम थिंग्स गॉट क्लियर टू हर. She raised her mind and tried to remember where she had heard this voice before. She got the answer. Then she asked, "Grandmother, what big ears you have?" ये answer जो है red जो बोलता है wolf की तुम्हारे साथ दौड़ने के लिए तो वो जो है answer उसको red riding hood को संतुष्ट नहीं करता है. वो सोचती है कि कैसे बीमार नानी माँ मेरे साथ दौड़ेंगी और वो कुछ अपने दिमाग पे इसे डालती तो याद करती है तो उसे लगता है कि आवाज़ उसने कहीं सुना है और उसको चेक करने के लिए फिर से क्वेश्चन पूछती है कि ग्रैंड मदर व्हाट बिग ईयर्स यू हैव. यानी इतने बड़े बड़े कान क्यों हैं आपके. तो ऑल द बेटर टू हियर यू विथ माय चाइल्ड. ये मेरे कान इतने बड़े बड़े इसलिए हैं ताकि मैं तुम्हारी बातों को सुन सकूँ. ग्रैंड मदर व्हाट बिग आईज यू हैव. तो क्वेश्चन फिर पूछती है रेड राइडिंग हुड की आपकी आँखें इतनी बड़ी बड़ी क्यों हैं. तो वुल्फ जो है वो जवाब देता है ऑल द बेटर टू सी यू विथ माई चाइल्ड. ये इसलिए बड़े हैं ये कि मैं ताकि मैं तुम्हें देख सकूँ. तो लिटिल रेड राइडिंग हुड रिमेंबर दैट इट वॉज द वॉइस ऑफ द वुल्फ सी हैड मेट इन द वुड. इस बार उसे ही पूरी तरह से याद आ जाता है कि ये आवाज़ उसने जंगल में सुना था और ये आवाज़ तो भेड़िए का था इस तरह का आवाज़. Now, in place of getting frightened, she said, "Oh, wait, I want you to eat the delicious cake mother has sent for you before we sleep." तो अब जो है वो भयभीत होती तो है लेकिन वो एक प्लान सोचती है और वो क्या कहती है नानी माँ वेट कीजिए जो आपके लिए मेरी मम्मी ने बटर दिया है और केक दिया है उसे आप थोड़ा सा पहले केक दिया उसको खा लीजिए सोने से पहले खा लेते हैं हम लोग. तो द वुल्फ वॉज हैप्पी डैट ही वुड ईट द डिलीशियस केक बिफोर ईटिंग लिटिल रेड राइडिंग हुड. ही सेड ओ प्लीज ड्रिंक द डिलीशियस केक टू मी. भेड़िया जो है वो ये सोचता है कि लिटिल रेड राइडिंग हुड को खाने से पहले क्यों ना स्वादिष्ट केक को भी खा लूँ और वो कहते हैं हाँ प्लीज जाओ लेके आओ केक प्लीज क्यों नहीं. लिटिल रेड राइडिंग हुड गॉट आउट ऑफ द आउट ऑफ बेड एंड वेंट टू द स्टूल नियर द डोर. सी लुक्ड एट द वुल्फ वेटिंग फॉर द केक. ऑल ऑफ ए सडन सी ओपन द डोर एंड वेंट आउट. सी लॉक द रूम फ्रॉम आउटसाइड एंड क्राइड फॉर हेल्प. लिटिल रेड राइडिंग हुड जो है वो दरवाजे स्टूल के पास जाती है जहाँ जो दरवाजे के निकट रहता है नज़दीक रहता है और ये वुल्फ भेड़िया जो है उसका वेट करती है केक के लिए. तभी वो क्या करती है दरवाज़ा खोलती है और बाहर चली जाती है लिटिल रेड राइडिंग हुड और बाहर से दरवाज़ा को लॉक कर देती है और हेल्प के लिए मदद के लिए चिल्लाने लगती है. टू वुड कटर्स हियर्ड हर क्राई एंड केम देयर रनिंग. सी टोल्ड देम एवरीथिंग. दे ओपन द डोर एंड किल द वुल्फ विद देयर एक्सेस.
दो लकड़हारे जो उस जंगल में वहाँ पे जो है लकड़ियाँ काट रहे थे, वो उसकी आवाज़ को सुन के वहाँ पे आते हैं और उसकी मदद करते हैं। उसको वो सारी बातें बताती है, लिटिल रेड राइडिंग हुड जो है वो उनको सारी बात बताती है। वो लोग क्या करते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और भेड़िए को अपने कुल्हाड़ी से मार देते हैं। तो इस तरह से आपने ये स्टोरी सुना और देखा, इसको समझेंगे कि कैसे, मतलब कि वो मुसीबत में तो पड़ी थी लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी बहादुरी से कैसे उसने अपने आप को बचा लिया, अपनी जान को बचा लिया। तो इसी तरह से कभी भी कोई मुश्किल में अगर हम पढ़ते हैं तो उसका हम लोग को डटकर सामना करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपने आप को सुरक्षित कर लेना चाहिए। यही इस स्टोरी से हम लोग को शिक्षा मिलती है। थैंक यू। नेक्स्ट अगली क्लास में। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थ्री में आपका स्वागत है। आज हम क्लास थ्री में पाठ 12 सब्जेक्ट हिंदी में कविता पढ़ेंगे, संगति का फल। इसमें कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, इसको पहले पढ़ेंगे। जैसे खुशबू, खुश कर देने वाली गंध, अच्छी गंध या सुगंध। ढेला, मिट्टी पत्थर आदि का टुकड़ा। झड़ना, टूट कर गिरना। संगति, संग में रहना, साथ रहना। सूंघना, नाक द्वारा गंध लेना। महकता, जो महक रहा हो, जिसमें से सुगंध आ रही हो, उसे हम महकता कह सकते हैं। इस कविता के कवि कौन है? इस कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। अब इसको हम पढ़ेंगे। था गुलाब का पेड़ कहीं पर, फूल खिले थे उसमें सुंदर। लड़का एक वहाँ पर आकर, सूंघा ढेला एक उठाकर। महक रहा था ढेला ऐसा, ताज़ा फूल महकता जैसा। फूल वहाँ पर झड़ते होंगे, उसके ऊपर पड़ते होंगे, इससे उसमें खुशबू आई। संगति का फल ऐसा भाई। एक बार फिर से। था गुलाब का पेड़ कहीं पर, फूल खिले थे उसमें सुंदर। लड़का एक वहाँ पर आकर, सूंघा ढेला एक उठाकर। महक रहा था ढेला ऐसा, ताज़ा फूल महकता जैसा। फूल वहाँ पर झड़ते होंगे, उसके ऊपर पड़ते होंगे, इससे उसमें खुशबू आई। संगति का फल ऐसा भाई। इसको आप पढ़ेंगे, याद करेंगे। यहाँ शब्दार्थ दिया गया है, इसको आप कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे, और प्रश्न उत्तर खुद से करना है आपको। कविता में किस फूल की बात कही गई है? तो आप पढ़ेंगे तो आपको पता हो ही जाएगा कि गुलाब के बारे में कहा गया है कि किसके बारे में कहा गया है। पेड़ पर क्या लगे थे? और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसको भी आप बनाएंगे। यहाँ कविता की पंक्तियाँ पूरी करना है, इसे करेंगे, सही गलत करेंगे। और यहाँ पर दिया गया है कि इन शब्दों के तुक वाले शब्द कविता में से चुन कर लिखो। तो कविता में से चुन कर आपको इसको पूरा करना है। और यहाँ कुछ रचनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, इसे भी आप पूरा करेंगे। इस कविता को याद करके सस्वर कक्षा में सुनाओ। तो कक्षा तो अभी है नहीं, घर में ही आप सुनाएंगे। अपने आसपास अपने आसपास उगने वाले फूलों की पंखुड़ियाँ अपनी स्क्रैप बुक में चिपकाएं। इस कविता में आपने पढ़ा है कि अच्छी संगति का फल अच्छा होता है। साथ ही यह जानना भी ज़रूरी है कि बुरी संगति का फल बुरा होता है, है ना? कैसा होता है? तो बुरा होता है। अच्छी संगति का फल अच्छा होता है। इससे जानने के लिए हितोपदेश की कहानी सच्ची संगति साधु की पढ़िए। इसको पढ़ना है आपको, और इसके आगे इधर भी दिया है, यानी पेज नंबर 53 से लेकर 56 तक में इसका दिया गया है अभ्यास। इसको आप करेंगे और बनाएंगे। पीछे भी यहाँ दिया गया है, इस वर्ग पहेली में कुछ फूलों के नाम छिपे हुए हैं, जरा उन्हें ढूंढिए। और इसके नाम यहाँ पे साइड में लिखना है, तो फूलों के नाम इसमें से ढूंढ कर लिखेंगे और 7 फूलों के नाम अलग से लिखेंगे।
ताकि आपको याद रहे, और इसको पूरा करेंगे। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में।